हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में द अलादीन एंड जिनी का जिनी लेसन का फर्स्ट सीन रीड किया था आज हम इस लेसन का सीन सेकंड पढ़ेंगे ओके ओपन द पेज नंबर ट्वेल्व ऑफ योर एसेंशियल इंग्लिश बुक हमने फर्स्ट सीन के एंड में पढ़ा था कि अलादीन विज़ार्ट के साथ जादूगर के साथ अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग खजाना लेने के लिए जाने वाला था तो इससे आगे का जो इसमें डिस्क्रिप्शन है वो हम सीन सेकंड में देखते हैं ओके अलादीन एंड द विज़ार्ट आर इन अ नैरो वैली अलादीन और विजार्ट दोनों नैरो वैली एक सकरी सी घाटी में आ गए हैं ओके द विज़ार्ट लाइट्स द फायर एंड थ्रोज अ मैजिक पाउडर इन इट विज़ार्ट वहाँ पर फायर जलाता है रोशनी करने के लिए विजार्ट वहाँ पर फायर जलाता है और उसमें एक मैजिकल पाउडर थ्रो करता है उसमें एक मैजिकल पाउडर वो डाल देता है द अर्थ शेक्स टेरिबली तो वहाँ की जो अर्थ है ज़मीन है वहाँ की वो हिलने लगती है एक डरावने तरीके से ज़मीन वहाँ की हिलने लगती है एंड द ग्राउंड ओपन्स और जो ज़मीन है वो खुलने लग जाती है ओपन्स मीन्स खुलने लग जाती है देयर इज़ अ बिग स्क्वायर स्टोन विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन इट वहाँ एक बिग मतलब बड़ा स्क्वायर स्टोन निकलता है विद राउंड ब्रास एक गोलाकार ब्रास रिंग के साथ एक स्क्वायर चौकोर स्टोन वहाँ पर निकलता है अलादीन इज एस्टोनिस्ड एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइज अलादीन अचानक से ऐसा देख करके सरप्राइज हो जाता है आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये स्टोन निकल कर आ गया है और इसमें एक ब्रास का रिंग लगा हुआ है देयर इज अ बिग स्क्वायर स्टोन विद अ राउंड ब्रास रिंग ऑन इट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक यहाँ पर चौकोर स्टोन निकल के आया है और उसमें एक पीतल का ब्रास मीन्स पीतल का एक रिंग लगा हुआ है विजार्ड अलादीन अप द ब्रास रिंग विजार्ड जो है अलादीन से कहता है कि ब्रास रिंग को पुल अप करो मीन्स उसको खींचो अलादीन यस अंकल हाँ अंकल पुल्स अप द रिंग वो अला अलादीन जो है विजार्ड को यस अंकल बोल के उस रिंग को खींचता है द स्टोन मूव्स टू वन साइड स्टोन जो है वो वन साइड एक ही साइड में खींच जाता है ही सीज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और वो क्या देखता है कि वहाँ नीचे स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ हैं कई सारी सीढ़ियाँ हैं विजार्ट नाव गो डाउन अब तुम नीचे जाओ एंड लुक फॉर एन ओल्ड लैम्प और वहाँ नीचे जाकर एक पुराना लैम्प देखो ढूँढो ब्रिंग इट टू मी और इसे मेरे लिए लेकर आओ दैन टेक वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम द केव इसके बाद तुम केव से जो लेना चाहो वो ले लो अलादीन यस yes, अंकल हाँ अंकल गोज डाउन वह नीचे जाता है हाँ बोलकर एंड इंटरस एन इनम्रस केव और एक बड़ी सी केव के अंदर झोपड़ी के अंदर चला जाता है अला दिन इट्स वेरी डार्क इन हीयर यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है बट वॉट दैट शाइनिंग ओवर देयर लेकिन यह शाइनिंग ये उजाला किस चीज़ से हो रहा है कोई चीज़ है जो यहाँ पर शाइन कर रही है रब्स हिज आइज वो अपनी आइज़ को रब करता है गोल्ड एंड ज्वेल्स क्या देखता है वो वहां पर सोने मतलब जो चीज शाइन कर रही है वो सोना है और कुछ रत्न है ज्वेल्स मीन्स कुछ रत्न है वॉट शेल आई टेक विद मी मैं यहाँ से क्या लेकर जाऊं अपने साथ ऐसा वो सोचता है दिस बॉक्स ऑफ ज्वेल्स ये रत्नों का जो बॉक्स है वो लेकर जाऊं मैं और दीस बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइंस या फिर मैं इन सोने के सिक्कों के बैग्स को लेकर के जाऊं नाउ वेयर इज द लैंप फिर वो सोचता है कि यहां पर लैम्प कहाँ है? आह देयर इट इज अरे ये तो यहां पर है आई वॉन्डर why अंकल wants दिस डर्टी ओल्ड lamp. वो सोचता है कि अंकल को ये गंदा सा पुराना लैम्प क्यों चाहिए Wizard. आउटसाइड बाहर से हरी अप जल्दी करो ब्रिंग मी द लैंप क्विकली मेरे लिए जल्दी से लैंप लेकर के आओ अलादीन आई एम कमिंग अंकल अलादीन बोलता है अंदर से कि मैं आ रहा हूँ आई हैव द दैम्प मेरे पास लैंप है स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स और वो ऐसा बोल करके सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है आई विल गिव इट टू यू मैं इसे आपको दे दूंगा बट फर्स्ट लेट मी कम आउट इन टू द ओपन एयर लेकिन पहले मुझे खुली हवा में बाहर आने दीजिए विजार्ड यू विकेट बॉय विकेट मीन्स दुष्ट यू विकेट बॉय दुष्ट लड़के गिव इट टू मी ये मुझे दे दो एटवंस ये एक बार मुझे दे दो और आई विल पनिश यू वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा दंड दूंगा मैं तुम्हें आई विल शट यू अप इन द केव मैं तुम्हें इस केव के अंदर बंद कर दूँगा अलादीन आई वॉन्ट गिव यू द लैंप मैं ये लैंप आपको नहीं दूंगा विजार्ट एंग्रीली गुस्से से देन स्टे इन द केव अगर ऐसा है तो तुम केव के अंदर ही रहो थ्रो सम मैजिक पाउडर ऑन द स्क्र स्टोन वो क्या करता है विजार्ट उस स्क्वायर स्टोन पर मैजिकल पाउडर थ्रो कर देता है एंड शाउट्स स्पेल और कुछ विशेष तरीके के शब्द वो बोलता है द स्टोन मूव्स एंड शर्ट द केव वो स्टोन मूव होता है और केव बंद हो जाती है आई कैन नॉट गेट द लैम्प माई सेल्फ मैं खुद अपने आप से लैम्प नहीं ले सकता हूँ सम वन हैज़ टू गेट इट फॉर मी किसी को मेरे लिए इसे लेकर के आना पड़ेगा इफ़ आई ट्राई टू गो सॉरी इफ आई ट्राई टू गेट इट आई विल डाई अगर मैं खुद इसे लेने की कोशिश करूंगा तो मैं मर जाऊंगा अलादीन आई कांट गेट आउट मैं बाहर नहीं जा सकता हेल्प 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 अंकल अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो वाई हैव यू शर्ट मीन आपने मुझे यहां बंद क्यों कर दिया है सोबिंग सोबिंग मीन सिसकना सोबिंग ओह oh, तो वो डर से रोने लग जाता है वॉट शैल आई डू अब मैं क्या करूं? इफ आई लाइट दिस ओल्ड लैम्प वो सोचता है कि अगर मैं इस ओल्ड लैम्प जो उसे पुराना लैम्प वहाँ पर मिला है उसे अगर वो जला दे आई मे फाइंड माई वे आउट उसके उजाले में मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लूँगा आई विल क्लीन इट फर्स्ट लेकिन पहले मैं इसे साफ कर लूँ टेक्स द लैम्प एंड रब इट ऑन हिज शर्ट वो उस लैंप को लेता है और अपनी शर्ट से उसे क्लीन करता है साफ करता है जिनी अपियर्स उस लैंप में से एक जिन अपियर होता है अपियर होता है मतलब निकलता है प्रकट होता है जिनी आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैम्प जो जिनी बाहर निकल के आता है वो बोलता है कि मैं इस लैंप का सर्वेंट हूं माई होम इज इन दैम्प यह लैंप जो है मेरा घर है एंड द मैन और वो व्यक्ति हु ओन्स द लैम्प जिसे ये लैम्प मिलता है ओन्स मी मैं उसी का हो जाता हूँ वॉट आर योर विशेष आपकी क्या विशेज हैं क्या चाहिए आपको अलादीन एम आई ड्रीमिंग क्या मैं सपना देख रहा हूँ पिंचज हिम सेल्फ वो खुद को पिंच करता है आउच पिंच करने से उसे पेन होता है आई एम अवॉक अरे मैं जाग रहा हूँ सपना नहीं देख रहा हूँ मैं ये सच है दिस इज मैजिक जिनी यह एक जादू है जिनी कैन यू टेक मी होम क्या तुम मुझे मेरे घर ले जा सकते हो अलॉन्ग विद ऑल दीज ज्वेल्स इन सारे रत्नों के साथ क्या तुम मुझे मेरे घर लेकर जाओगे जिनी सर्टेनली मास्टर अवे वी गो जो जिनी है वो कहता है कि हाँ हाँ मास्टर मतलब मेरे मालिक मास्टर मीन्स यहाँ पे मेरे मालिक मैं आपको यहाँ से लेकर के जाऊँगा गो अवे मतलब यहां से दूर लेके मैं आपको जाऊंगा अलादीन मोमेंट्स लेटर ओ कुछ क्षण बाद आई एम बैक इन माई हाउस अगेन मैं फिर से अपने घर वापस आ गया हूं जिनी थैंक यू वो जिनी को थैंक्स बोलता है यू सेव्ड माय लाइफ तुमने मेरी जान बचा ली जरीना अलादीन अलादीन व्हाट हैपेंड जरीना आती है और क्या पूछती है अलादीन अलादीन क्या हुआ ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी वो सारी स्टोरी अपनी मदर को बताता है जो भी उसके साथ हुआ वो सारा सब कुछ अपनी मदर से बताता है जरीना देट वॉज नॉट योर अंकल वो तुम्हारे अंकल नहीं थे ही वॉज अ विकेड विजार्ड कौन थे वो वे वह एक दुष्ट जादूगर था रिमेंबर वन थिंग रिमेंबर मीन्स याद रखना एक चीज़ हमेशा याद रखना नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स मीन्स अन पर्सन जिन्हें आप नहीं जानते उन्हें क्या कहेंगे स्ट्रेंजर्स नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स से हमें कभी बात नहीं करना चाहिए एंड टेल देम वेयर यू लिव और उन्हें ये कभी बताना नहीं चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं आपको स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए और ये तो कभी बताना नहीं चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं अलादीन यस मदर आई विल रिमेंबर दैट हाँ माँ ये मैं हाँ मम्मी मैं ये याद रखूँगा अलादीन बिकेम वेरी रिच अलादीन जो है अब वो बहुत धनवान हो जाता है पैसे वाला हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द जिनी वो जिनी की हेल्प से बहुत पैसे वाला हो जाता है ही एंड हिज मदर वह और उसकी माँ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं ओके तो आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करिए और इसके जो मीनिंग्स हैं ये हम अपनी अगली क्लास में लर्न करेंगे ओके हरे कृष्णा